फायर गॉड मुझे मजबूर मत करो नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा ये सारी की सारी चला की हामी टी की, की बातों में आ गए तुम्हारे बेटे टीम इस सोच को तो हामेठी ने पहले ही अपनी आर्मी के अंदर धोखे से कर लिया तुम्हारा बेटा भी यही गलती ना करे इसलिए मैंने उसको मार दिया और अभी तुम भी यही गलती कर रहे हो मुझे गुस्सा दिलाया तो फायर गॉड मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा वैसे भी तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है तुम्हारे बेटे ने तुम्हें बाप तक तो बोला नहीं वो भी तुम्हे फायर गोर्ड क्या बुलाता है मेरी बात मानो मेरी टीम के अंदर आ जाओ हम दोनों मिल के पूरे के पूरे ए आर बी एस पे राज करेंगे मेरी पावर का तो जमीन का, तो का भी और फिर वॉटर मुझे पता है, कि भी पावर बहुत पसंद है। मैं सारी की सारी तुम्हारा होगा एयरटेल कैसल भी मैं कॉन्के तुम्हें दूंगा बोलोगे तो वो भी दे दूंगा लेकिन फायर गॉड मुझसे दुश्मनी मत करो मैं गॉड जरा गॉडू तुम्हें पता के मेरे पास बहुत पावर्स है मेरे बेटे ने मुझे बाप नहीं बोला तो क्या हुआ हाँ मेटी आर्मी के देखने वालों को तो पता है फायर अपने दोनों बच्चों से कितना प्यार करता है मेरे एक बेटे को मुझे इतना कमजोर नहीं है तुम्हें ये बात पता है आज यहाँ तो तुम बचोगे यहाँ तो मैं बचूंगा और एक बात याद रहे अगर तुम्हें मर गया तो मेरी कबर को पूरे तरीके से खत्म कर देना ताकि दोबारा मुझे कोई भी जिंदा ना कर सके फायर गोड तुम्हारी आर्मी का साथ दे के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मैं तुमसे आखिर दफा पूछता हूँ मेरी टीम के अंदर आओगे या फिर नहीं तुमने सही बोला गौर्ण गौर्ण ये सब कुछ मैं टी आर्मी के लिए कर रहा हूं। मेरा टीम है इस पहले मान लेता मेरे बेटे ने मुझे बोला भी था की उसके भाई को गौरजला गॉड ने मारा लेकिन मैंने उसकी बात मानी नहीं और इसीलिए आज मैं तुम्हें खत्म करने के लिए आया तुम्हे शायद पता नहीं है गौरसला मुझे पता है तुम फायर गोडो लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता

कुछ जल्दी ऐसी डीमेंस को होगा अरे बुलाएंगे अरे मैं फायर है हम हम को फायर को बचाना होगा यार। बचाना तो होगा चौप मगर कैसे बचाऊ अरे हमने सिंचन वापस आ जा अरे नहीं हमने सिंचन तुम्हें बचाने के लिए आ गया सिंचन तुम यहाँ ऐसी चले जाओ ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है फायर गोड तुम फिक्र मत करो मैं और चौप भी यहाँ आरोप आ चुके हैं अभी तुम्हें मैं जैसा बोलूंगा तुमने बिल्कुल वैसा ही करना है नहीं हाँ बेटी अभी मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा मैं तो वैसे भी मर चुका था

टीम में अपने दुश्मन को खत्म करूंगा इसने मेरे बेटे को मारा है बेटी तुम भी पर आ गए फायर गॉड को तो मैं यहाँ ऐसी मुझे पता चल गया है अभी तुम्हारी आर्मी के अंदर आ चुका है और वाह तुमने तो कुछ ज्यादा प्लानिंग करके रखी है वाटर गॉड को भी डिफीट कर दिया और उसकी कबर भी अपने पास रख ली हाँ बेटी तुम फायर गॉड हेल गॉड और वाटर गॉड को तीनों को एक साथ मेरे सामने लेकर आ जाओ लेकिन मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं गौडा गॉड हूँ अभी तो मैं जमीन के ऊपर राज करता हूँ लेकिन जल्दी

तुम्हें क्या लगता है कि मैं पे लड़ने के लिए आया हूँ नहीं मैं यहाँ पे मरने के लिए आया हूँ लेकिन तुम मरना क्यों चाहते हो जिसका बेटा अपने बाप को बाप कह के, के ना बुलाए उसको जीने का कोई हक नहीं है फायर मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख हो रहा है लेकिन देखो सोच भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है ना लेकिन हमेठी मुझे आज मत रोको फायर देखो तुम्हें मैंने जिंदा किया अभी मैं तुम्हें जैसे बोलता हूँ तुम वैसे करो और आज के बाद तुम मेरी आर्मी के अंदर हो क्या सच में मैं हमेटी आर्मी के अंदर हूँ आज के बाद तुम मेरी आर्मी के अंदर हो अबे आर्मी के अंदर जाके क्या करोगे घोजा घोड़ की आर्मी सब स्ट्रॉग है अगर ए आर पी एस के ऊपर राज करना चाहते हो तो गोरजला गौर की आर्मी के अंदर आओ लगता है कि तुमने हामेटी आर्मी को सही से देखा नहीं है लेकिन मैं हामेटी आर्मी को जानता हूँ हामेटी आर्मी पावर की बुखी नहीं है और हमेशा प्लानिंग के साथ अपने दुश्मन को खत्म करती है आज नहीं तो कल तुम्हारा भी आखिरी दिन आएगा फायर गोर्ड कल नहीं घोड़जा गौट का आज ही आखिरी दिन आएगा ठीक है हामेटी जैसा तुम बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ लेकिन फायर कोर्ट देखो हम लोग की आर्मी का सिर्फ और सिर्फ एक रूल है हम लोग कभी भी अपने दुश्मन के ऊपर पीछे से वार नहीं करते हैं मुझे पता था हामेटी आर्मी

हाँ हाँ मेटी गॉड अल्टीमस सोर्स मेरी आर्मी का सबसे ज्यादा खतरनाक बॉस है लेकिन फायर गॉड उसको मैं अभी यहाँ पे नहीं लेकर आ सकता हूँ लेकिन क्यों हाटी क्यूँकी हम लोग का दुश्मन सिर्फ गोजा गौड़ बल्कि मेका गॉड भी है हा मेटी अब ये कौन है फायर गॉड मेका गॉड भी काफी ज्यादा खतरनाक है और अभी तुम्हारा गॉड अल्टीमस अल्टीमो मेका गॉड के सामने खड़ा हुआ है हा मेटी उसको जल्दी यहाँ पर लेकर आओ मुझे पता है गॉड अल्टीमस सोर्स गोडा गॉड को मार देगा और साथ में मेरे पास पावर्स भी तो है अभी थोड़ी देर में यहाँ पे रात होने वाली है उसके बाद तुम देखना गौडा गॉड को मैं अपनी पावर्स के साथ ही खत्म कर दूंगा मुझे यहाँ पे आने की जरूरत पड़ेगी नहीं ठीक है फायर गोड तुम जल्दी से ये काम कर लो लेकिन यहाँ पर आ रहा है ठीक हाँ है मैं तुम्हारी आर्मी के एक बॉस को लेकर आ रहा हूँ मगर तुम्हारे पास कौन सा बॉस है? हाँ है मैं अभी लेकर आता हूँ हाँ, ये तो दिखने में फायर गोड की तरह सिंह भी फायर गोर्ड वाले लगे पे यार का यूनिट है अरे यहा हाँ मैं देखने में बहुत ज्यादा ओपी है हाँ दिखने में तो ओपी है और फायर गोर्ड बोल रहे आर्मी का बॉस है दो टांगे और एक दो तीन चार।, चार इसके हाथ हैं और काफी ज्यादा फ्लेम्स निकल रही है इसके अंदर से अरे भाई ग्रीन और येलो का कॉम्बो यार कलर्स तो काफी ज्यादा ओपी हैं हम लोग इसकी टेल को जाके देखते हैं अरे भाई हो रहा है हाँ वैसे आया टेल पे भी डैस हो रहा हाँ, है हो है फायर गॉड का रहे काफी ज्यादा पुराना यूनिट है लेकिन अभी पता नहीं है जरा गॉड को मार पाएगा या फिर नहीं अरे भाई गोड अल्टी सोच को भी यहाँ पर लेकर आएंगे मिस्टर एस को मैंने बोला तो है मगर पता नहीं वो गोड कब भेजेगा हम लोग को रात होने का भी वेट करना है अरे यार मैं शाम तो हो गई हाँ शाम तो हो गई है डी एम एस

से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके लिख दो यहाँ पर आ चुके हैं और डीमेस मुझे लगता है ये वाली आर्मी गौड गौड को मार देगी। मुझे भी सिंचन ऐसा ही लगता है हम लोग एक काम करते हो सकता है क्योंकि बॉस को यहाँ पे पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और गोजा गोड भी यहाँ पर अकेला है इससे पहले आर्मी को यहाँ पर लेकर आए हम लोग को गोड़जा गोड को मारना होगा अरे हाँ हम लोग जीत तो जाएंगे मुझे लगता है आज हम लोग जीत जाएंगे अरे बस जीतेंगे हम लोग जीतेंगे यार फायर चौपर की आर्मी बहुत ज्यादा ओपी फाइट कर रही है और आसमान से पत्थर भी गिर रहे हैं अरे वो देखिए हम लोग की अपनी आर्मी मर गई ना यहाँ पर यार आसमान से इतने बड़े पत्थर गिर रहे हैं अरे पत्थर तो गिर रहे मगर गोडा गोड को अभी तक कुछ नहीं हुआ यार की हेल्थ देख अरे हमें गोडजा गोड की हेल्थ बहुत थोड़ी सी रह गई ये तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ गोडजा गोड मर सकता है अरे हमें मुझे लगा था गॉड है नहीं नहीं ये हैकर यूनिट नहीं है गोडजा गोड मर सकता है आधे से ज्यादा इसकी हेल्थ खत्म हो गई है फायर गोडा इस काफी ज्यादा खतरनाक है मुझे पता है फायर गोड गोर्जा कोर्ट को मार सकता है। अरे यार हमें कल गोर्जा कोर्ट मार जाएगा? सिंचन कल मुझे लगता है कि इसका आखिरी दिन होगा। आप लोग यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोग से मिलता हूँ सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर टेल दें टेकी रन बाय बाय।